नमस्कार जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पाक खुफिया एजेंसी ISI की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। कनाडा में प्रदर्शनों के बीच खालिस्तानी टूल किट किया तैयार। भारत नहीं पाकिस्तान ने कराई आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। ISI ने ड्रग्स के कारोबार पर नियंत्रण को लेकर चली चाल। पंजाब पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को किया गिरफ्तार। 8 साल पुराने NDPS एक्ट मामले में हुई कार्रवाई। अक्टूबर में कई वित्तीय समय सीमाएं खत्म होने के साथ होंगे बदलाव। विदेश यात्रा होगी महंगी। बंद LIC चालू कराने का मिलेगा मौका। अक्टूबर से डेबिट व क्रेडिट कार्ड नेटवर्क चुनने की होगी सुविधा। 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए बचे हैं सिर्फ 3 दिन। 2 महीने में 6 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक धंसा उत्तराखंड का जोशीमठ। NGRI ने अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट में किया खुलासा। दिल्ली में गृहमंत्री शाह से मिले रालोद अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। बिहार की राजनीति स्थिति और NDA की रणनीति पर हुई चर्चा। राजस्थान चुनाव को लेकर शाह नड्डा ने नेताओं के साथ की बैठक। विधानसभा में 2 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारने की तैयारी। जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकी को पाकिस्तान ने दी श्रद्धांजलि। ISI और सेना के अधिकारियों ने भी बहाया आंसू। मौजूदा वित्त वर्ष में 3500 कर्मचारियों की छटनी कर सकती है बायजू। पहले से ही नोटिस पीरियड पर चल रहे कंपनी के 1000 लोग। यूपी में नए उद्योगों के लिए जमीन तैयार करेंगी पुरानी बीमार इकाइयां। औद्योगिक विकास प्राधिकरण पहली बार ला रहा है ऐसी नीति। ममता बनर्जी के विदेश दौरे पर अधीर रंजन चौधरी ने साधा निशाना। का मौज मस्ती के लिए किया गया बंगाल के पैसों का दुरुपयोग। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज नेता अजीज पहाड़ का निधन। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में निभाई थी अहम भूमिका। राज्यपाल RN रवि ने उदयनिधि स्टालिन पर साधा निशाना। का भारत सनातन धर्म की उपज अविनाशी है सनातन धर्म। MC के खिलाफ रैली में कांग्रेस के साथ दिखे शुभेंदु अधिकारी। कहा कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में कोई हर्ज नहीं। रिश्तों में तनाव से कनाडा में दाखिला ले चुके 36,000 छात्र चिंतित। वीजा और एयर टिकट बुक जनवरी में शुरू होनी है कक्षाएं। दिल्ली NCR में कुत्तों के काटने के लगातार बढ़ रहे मामले। अकेले राजधानी में हर दिन 1000 घटनाएं आ रही हैं सामने। मणिपुर हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों का कोई आधार नहीं। भारतीय कार्यकर्ता ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को दी जानकारी। अमेरिका के मिशिगन में 28 लाख डॉलर की धोखाधड़ी में भारतीय दोषी। स्वास्थ्य देखभाल में धांधली कर विभिन्न बैंक के खातों में पैसा भेजा। ICC ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका को सराहा। रिपोर्ट में टेक कंपनियों पर कार्रवाई को बताया जरूरी। 2020 में दुनिया भर में करीब 53 लाख लोगों की कैंसर से गई जान। लेसेंट स्टडी में खुलासा 70% की बच सकती थी जान। भारत में बुजुर्गों की आबादी में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। रिपोर्ट में दावा 27 साल बाद हर 5 में से 1 व्यक्ति होगा वृद्ध। भारत में 2 से 4 दशक में 3 गुना तेजी से गिरेगा भूजल। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने चेताया बढ़ रहा है तापमान। छत्तीसगढ़ में बने टेनिस अकादमी का CM बघेल ने किया लोकार्पण। 4 एकड़ में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनकर हुआ तैयार। CM अशोक ने बागवानों के साथ संवाद पर गिनाई उपलब्धियां। बोले किसानों की जमीन कुर्की रोकने के लिए बनाया कानून। छत्तीसगढ़ के बालोद में कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली। 3 महिलाओं की गई जान। खेत में पेड़ के नीचे खा रही थी खाना। डिजिटल लाइब्रेरी में अंग्रेजी में लिखावट देख CM नीतीश कुमार नाराज। अधिकारियों से बोले सरकारी भवनों पर हिंदी ही कराया अंकित। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के भाई समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज करने में आनाकानी करने वाले SHO हुए लाइन हाजिर। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के निशाने पर भगवंत मान सरकार। RTI दाखिल कर मांगा हेलीकॉप्टर खर्च का ब्यौरा। जम्मू विकास प्राधिकरण में 350 संपत्तियों के दस्तावेज हुए गायब। टैक्स जमा करने JDA कार्यालय आए आवंटितों खुला फर्जीवाड़ा। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में LOC के पास हुआ विस्फोट जवान घायल। एयरलिफ्ट कर उधमपुर अस्पताल में किया गया शिफ्ट। जम्मू कश्मीर के DGP ने आतंकवाद को बताया पाकिस्तान की देन। कहा हमारी कोशिश इसे जड़ से खत्म करना। इस साल 31 आतंकी ढेर। असम सरकार ने आपदा राहत कोष में किया 10 करोड़ रुपए का अंशदान। CM सुक्कू बोले जरूरत के समय धन मुहैया कराने के लिए धन्यवाद। 1 अक्टूबर से अमृतसर से कुल्लू और शिमला के बीच विमान सेवा। सोमवार बुधवार और शुक्रवार को संचालित होंगी सेवाएं। हिमाचल में उद्योगों पर बढ़ाया गया बिजली शुल्क कम करने की तैयारी। कैबिनेट की बैठक में नई बिजली दरों पर चर्चा करेंगे सरकार के मंत्री। बैठक में पहुंचे CM धामी को मिला 9000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव। औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ हुए 2 अलग अलग MOU। PM मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। 11 और 12 अक्टूबर को आदि कैलाश में जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित। दिल्ली के LG ने जाम खत्म करने के लिए कई योजनाओं को दी मंजूरी। मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्लान लागू होने से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।
नई दिल्ली कटरा के बीच दो विशेष ट्रेनें चलाएगा रेलवे। गति शक्ति स्पेशल एसी ट्रेन से यात्रियों को मिलेगी भीड़ से राहत। दिल्ली सरकार के आर्म्ड फोर्सेज स्कूल के बच्चों ने किया कमाल, 76 छात्रों ने दी थी एनडीए परीक्षा, पहली बार में 32 ने मारी बाजी। एमपी और राजस्थान में चुनाव प्रबंधन देखेंगे यूपी के नेता, जेपीएस राठौर को एमपी और महेंद्र सिंह को राजस्थान की जिम्मेदारी। मथुरा में ईएमयू हादसे की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, नशे में इंजन के थ्रोटल पर बैग रखने से ट्रेन की स्पीड हुई तेज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी वादे पर अखिलेश ने जताई खुशी, बोले कांग्रेस का जातीय जनगणना को समर्थन बड़ा बदलाव। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने रमेश विधूड़ी के बयान पर किया पलटवार, बोले संसद के अंदर इस तरह की बयानबाजी करना अनपढ़ता की निशानी। संबल में सहना देने पर नायब तहसीलदार की गाड़ी पर हमला, अस्पताल में भर्ती हुआ तहसीलदार का घायल ड्राइवर। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में भारत को 66 रनों से हराया, कंगारुओं के खिलाफ जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाई टीम इंडिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 352 रन बनाए, जवाब में 50वें ओवर में 286 रन पर सिमट गई भारतीय टीम। एशियाई खेलों में 24 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर पहुंचा भारत, प्रतियोगिता में 140 पदकों के साथ शीर्ष पर बरकरार है चीन। एशियाई खेलों में भारतीय दल का धमाकेदार प्रदर्शन जारी, अब 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में जीता गोल। विश्व कप के लिए भारत पहुंची बाबर आजम की पाकिस्तानी टीम, हैदराबाद में अभ्यास मैच से करेगी अपने अभियान की शुरुआत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।